हेलो फ्रेंड्स, केयर पॉइंट की डिवीजन पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एनटीपीसी से कुछ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इसका सीरीज आपका ये फोर्थ रहेगा। इससे पहले मैंने तीन सीरीज ऑलरेडी बना दी है जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, तो आप लोग के लिए लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द स्टेट ऑफ नागालैंड हैज़ ए स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नागालैंड के पास एक विशेष सुरक्षा है? तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 371, अनुच्छेद 171A के तहत ये उसके पास पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, द एंशियंट नेम ऑफ असम इज, असम का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? कामरूप। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसुअस वाज कंडक्टेड इन इंडिया। किस साल भारत में पहली जनगणना की गई थी? 1872 ईस्वी में। किन के समय में की गई थी? जॉर्ज मतलब म्यू के समय में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी टाइम्स जोन्स हैज द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड। विश्व को कितने समय जोन विभाजित किया गया है? राइट आंसर इसका 24। राइट आंसर इसका 24, 24। छठा नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड फर्स्ट बाय सेस्मिक वेव्स। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी लहरों द्वारा पहली बार दर्ज की जाती है? पी वेव्स, पी लहर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आर्सेनिक एटम्स आर एडेड टू जर्मेनियम लैटिक्स इट बिकम्स। जब आर्सेनिक परमाणुओं को जर्मेनियम लैटिक्स में जोड़ा जाता है तब यह क्या बन जाता है? यह बन जाता है एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर, बाहरी सेमीकंडक्टर। एट नंबर क्वेश्चन आपका, हु रोड द बुक वाई सोशलिज्म। वाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, द डिमांड ऑफ नेसेसिटीज इज, अनिवार्यता की मांग है परफेक्टली इलास्टिक। दस नंबर क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज अ वार्म ओशियन करेंट। निम्नलिखित में से कौन सी है गर्म महासागर की धारा है? गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, हु सेड दैट ओह डिसरिस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी आई लव यू। ओह डिसरिस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी आई लव यू, यह किसने कहा था? जे बी सो ने कहा था। बारहवां नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन द 2016 साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार अवार्ड इन इंग्लिश। किसने अंग्रेजी में 2016 साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार जीता है? किसने जीता था? रश्मि नाजरी ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, द बुक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाई कांट बी जस्ट बी फ्रेंड हैज़ बीन पेंड बाय। निम्नलिखित किताब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाई कांट बी जस्ट बी फ्रेंड किसके द्वारा लिखी गई थी? हुसैन हक्कानी। 14 नंबर क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। संविधान संशोधन की विधि किस में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संविधान के पास संशोधन करने की पावर है। 15 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन। गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 को। 16 नंबर क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्सन ली ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से मिलकर बना है? डायमंड, हीरा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी की भूमध्यवर्ती त्रिज्या लगभग है 6000 किलोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन, डिज इज नॉट रिलेटेड टू द लंग मेनू फंक्शनिंग इज। निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ा की खराबता से संबंधित रोग नहीं है? एनीमिया, रक्तल्पता, मतलब ब्लड की कमी से होता है ये, ना कि उससे। 20 नंबर क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ कांगो इज। कांगो की राजधानी है किनसासा। देखने में छोटे क्वेश्चन लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952।
22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनेंशियल, इनमें से कौन सी वित्तीय नहीं है, IIPA। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसिडिक, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्लीय है, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू इन टर्म ऑफ रुपीज, रुपये के संबंध में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का मूल्य सबसे अधिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पाउंड। ट्वेंटी 25th नंबर क्वेश्चन है, द मुगल रोड प्रोजेक्ट वुड लिंक, मुगल रोड परियोजना लिंक करेगा किसे, करता है पठानकोट विद श्रीनगर को, पठानकोट को श्रीनगर के साथ जोड़ता है, तो राइट आंसर इसका डी।